हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास अलग अलग समय पर अलग अलग गतियों पर उपलब्ध करा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग गतियों पर डिक्टेशन दिए जा रहे हैं। साथ ही उनका मूल्यांकन आप जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा, उसके अलावा हमारे एक्सपर्ट की टीम आपकी कॉपियों का मूल्यांकन आपको करा के 100% रिजल्ट उपलब्ध कराती है। तो सभी नियमित क्लास के लिए तैयार हो जाइए। रेडी? गांधी जी भिन्न अर्थों में कठिनाई पैदा करने वाले थे। जब भी उनको जेल में रखा गया, वे जेल में जाने के तत्काल बाद सरकार को मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों पर, परंतु प्रायः जेल के हालात पर भी पत्र लिखने शुरू कर देते। जब 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको पूना के निकट आगा खां महल में ले जाया गया और उनके अन्य साथियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अहमदाबाद के किले में नज़रबंदी के लिए ले जाया गया। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को एक विशेष बैलगाड़ी में चिचवड़ स्टेशन ले जाया गया। वहां दो दलों को अलग अलग कर दिया गया। गांधी जी आगा खां महल में 9 अगस्त को सवेरे पहुंचे। कांग्रेस जनों को अपनी अंतिम सलाह उन्होंने प्यारे लाल को इस प्रकार लिखाई थी। अहिंसा में विश्वास रखने वाले स्वतंत्रता के हर सिपाही को चाहिए कि वह करो या मरो का नारा लिखे और इसे अपने कपड़ों पर लगा ले, ताकि यदि सत्याग्रह में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सत्याग्रही और अहिंसा में विश्वास रखने वाले के रूप में पहचान लिया जाए। देश के नाम उनके ये अंतिम अनुदेश थे। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। इस शताब्दी के पहले ये दो दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नर्क से बनी काफ़ी मिलती जुलती थी। खाना, कपड़े, रहने की हालत, सफाई व्यवस्था और इन सबसे बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारियों का रवैया सभ्य स्तर से काफ़ी नीचे था। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा दी गई थी, वह जेल के अधिकारियों के गैरकानूनी और अमानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी। राजनीतिक कैद यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से तकलीफें उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध
कठिनाइयां उत्पन्न करते थे ताकि सरकार को मजबूरन जेल की हालत में सुधार करना पड़े। गैरकानूनी ढंग से कैदियों को पीटने और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी। मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात नहीं थी। जेल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो। अतः लेखक और उसके साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा करनी पड़ती थीं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे। इस प्रकार से वे जानबूझकर कठिनाइयां पैदा करने वाले थे और निश्चित रूप से आदर्श कैदी न थे। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा की जब भी उन्हें कैद किया गया। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग में है। कैसे भी अनुकूल परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण ना हो सकता हो, कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक, समीप या दूर नहीं, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आए, वह सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री है। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। इसलिए सुख आए या दुख, नफा हो या घाटा, बीमारी आए या स्वस्थता, आदर हो या निरादर, प्रशंसा हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। ऐसा सुख आ जाए, इतने नफा हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह मुफ्त में दुख पाता रहता है। दुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है और दुखदायी
परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है, परंतु दोनों स्थितियों में सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा, अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। भाइयों व बहनों, मेरे तो कल भगवान रहे हैं, परमात्मा के सिवा सब कुछ पर है, पर संसार के अधीन होना पराधीन है। उपयोग इतना ही है कि पराधीनता को त्याग दें, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद करके जो निरंतर हमें छोड़ता चला जा रहा है उसी को छोड़ना है, और यही साधना है। जो सदा से विमुख है वह संसार से ही विमुख होता है, और जो सदा से सम्मुख है वह परमात्मा तत्व के ही सम्मुख होता है। मनुष्य संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है, इस प्रकार दो विभाग किए हुए हैं। वह जिसने अपना मानता है उसी की चिंता उसे होती है, और जिसे अपना नहीं मानता वह धराशाही हो जाए तो भी उसकी चिंता नहीं होती। तो चिंता अपने प्राण की होती है। असत संसार में जो आकर्षण या प्रियता है वह अशक्ति कहलाती है। वही आकर्षण भगवान में हो जाए उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं। धन में, भोग में, परिवार आदि में जो हमारा खिंचाव है वह खिंचाव भगवान की तरफ होते ही भक्ति हो जाती है। वास्तव में अपने में भक्ति का संस्कार भगवान का खिंचाव स्वतः है, पर असत से संबंध जोड़ने से असत की ओर खिंचाव हो गया। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत का खिंचाव मिट जाता है। सभी इसका लिप्यंतरण करने के लिए आ जाइएगा। हेलो गाइस।